T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए इस खिलाड़ी को बनाओ T20 टीम का कप्तान, दिग्गज खिलाड़ी ने कर दी बड़ी मांग। तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किस खिलाड़ी को बनाया जाएगा T20 टीम का कप्तान, कौन से दिग्गज ने कर दी है बड़ी मांग, बताएंगे इस वीडियो में सब कुछ पूरी डिटेल में। तो दोस्तों पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान और खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। भारतीय टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। इसके बाद टीम इंडिया की हर तरफ आलोचना हो रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने एक स्टार खिलाड़ी को कप्तान बनाने की मांग की है, आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी कृष्णमाचारी श्रीकांत ने स्टार स्पोर्ट के एक कार्यक्रम में कहा, यदि मैं चयन समिति का अध्यक्ष होता तो फिर कहता कि हार्दिक पांड्या को विश्व कप 2024 के लिए कप्तान होना चाहिए, मैं सीधे तौर पर यह फैसला करता। उन्होंने कहा, टीम के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आज से ही शुरू होनी चाहिए, यह काम न्यूजीलैंड सीरीज से शुरू होना चाहिए जो कि एक सप्ताह के अंदर शुरू होगी। कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा, आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी, विश्व कप की तैयारियों के लिए आपको चीजों को समझना होता है और इसकी तैयारी 2 साल पहले शुरू करनी होती है, इसलिए आप जो भी करना चाह रहे हैं चाहे वह किसी भी तरह का प्रयोग हो या कुछ और हो, उसे 1 साल के अंदर कर दें और फिर 2023 तक टीम तैयार कर दें और यह सुनिश्चित करें कि यह टीम विश्व कप खेलेगी। तो दोस्तों आप भी पूर्व खिलाड़ी कृष्णमाचारी श्रीकांत के इस बयान से कितना सहमत हैं, आप अपनी कमेंट जरूर करें। आपके हिसाब से क्या हार्दिक पांड्या को 2024 T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया जाना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय कमेंट जरूर करें।